हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गुरु नीति के इस एपिसोड के अंदर। ये अपना एपिसोड नंबर 72 है। मैं ललित सोनी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर, और मेरे साथ है करण यादव, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की, और आज हम लोग इस सीरीज के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स वाला पोर्शन है उसको भी बच्चों में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सर, शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 51 से, क्योंकि जो पहले के क्वेश्चन है हम पहले वाले सीरीज में कर चुके हैं। Four statements regarding transcription are given below, which two statements are true? अनुलेखन के संदर्भ में नीचे चार कथन दिए गए हैं, कौन से दो कथन सत्य हैं? Monocystonic genes are present in prokaryotes only. तो देखो स्टूडेंट्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मोनोसिस्टोनिक कंडीशन नहीं पाई जाती है, इसमें पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन पाई जाती है। तो सर, स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। फिर यहाँ पे है पॉलीसिस्टोनिक जीन्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स ओनली, ये बच्चों यहाँ पे रॉन्ग है। अभी हमने बात की थी पॉलीसिस्टोनिक जीन किस में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। स्प्लिट जीन्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, ये बच्चों यहाँ बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। याद करो, पढ़ा था अपन ने, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो बच्चों पहले बनता है उसके अंदर एचएनआरएनए, और वो जो एचएनआरएनए है उसमें देखो सबने लिखा भी है एक्सोन और इंट्रोन दोनों होते हैं। तो एक्सोन और इंट्रोन दोनों का होना इसको हम लोग कहते हैं स्प्लिट जीन। तो बच्चों, स्प्लिट जीन किन में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। एक्सोन जो होता है वो फंक्शनल पार्ट होता है, और इंट्रोन जो होता है वो अपने पास में नॉन फंक्शनल पार्ट है, इनएक्टिव पार्ट है, क्योंकि जो एक्सोन है वो ही आगे जाके हम कह सकते हैं ट्रांसलेशन कर पाता है, जो इंट्रोन असल वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाता है। फिर यहाँ पे है एक्सोन एंड इंट्रोन्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, तो बिल्कुल एक्सोन इंट्रोन अभी सर यहाँ पे लिखा था, कहाँ पे होता है? स्प्लिट जीन में होता है, स्प्लिट जीन यहाँ पे। कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों पार्ट होते हैं, तो एक्सोन अपने पास में और इंट्रोन दोनों पार्ट होते हैं, तो ये स्प्लिट जीन में होता है, और स्प्लिट जीन यूकैरियोट का पहचान है। देखो सर, स्प्लाइसिंग जो प्रोसेस होता है उसके द्वारा इसको चेंज किया जाता है। जैसे मान लो एचएनआरएनए है, तो एचएनआरएनए के अंदर एक्सोन इंट्रोन दोनों होते हैं। जो बच्चों इंट्रोन यहाँ पर है वो इनएक्टिव पार्ट है, यूजलेस पार्ट है, तो फिर एक्सोन इंट्रोन के अंदर में से इंट्रोन्स को रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड आरएनए स्प्लाइसिंग। और जब यहां पर इंट्रोन्स को रिमूव कर देंगे तब सिर्फ यहां पर एक्सोन एक्सोन बचते हैं जिनसे एमआरएनए बन जाता है। बिल्कुल। तो सर देखो, यहां पर ए और बी, तो यहां पे क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। बिल्कुल सर, यहां पे सी एंड डी करेक्ट है, करेक्ट आंसर यहां पे हो गया थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके बाद में। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। In bacteria, mRNA does not require any processing. बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बच्चों bacteria होता है, इसमें intron का concept नहीं है, इसमें सारे के सारे exon ही exon होते हैं, तो अगर introns है ही नहीं तो फिर remove कैसे करेंगे? मतलब यहाँ पे splicing नहीं पाई जाती, splicing होती नहीं है। बिल्कुल। तो सर यहाँ पे अपने पास statement क्या हो गया? बिल्कुल correct statement है। Transcription and translation cannot be coupled in bacteria. ये बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सर जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल प्रोसेस होती है, क्योंकि वहां पर डीएनए से पूरा आरएनए बने, उस पूरा आरएनए बनने से पहले क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। जैसे अपने पास में मतलब कि एक तरह से अपन ये बोल सकते हैं सर कि जैसे मान लो कि ये सेल, अब अपने पास में इसमें न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में ऐसी कोई चीज होती नहीं है, होती नहीं है। तो जहां पर अपने पास में डीएनए होता है वहां पर ही अपने पास में एमआरएनए बनता है, और वहीं पर अपने पास में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो ये प्रोसेस एक साथ स्टार्ट हो जाते हैं सारे है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मान लो अपने पास में ये यहाँ पे इस तरीके से डीएनए है, हालांकि बैक्टीरिया में डीएनए सर्कुलर होता है, सर्कुलर, ये जो डीएनए है इस डीएनए से आरएनए बन रहा होता है, हाँ। और आरएनए भी बन रहा होता है, साथ साथ इस आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन, हाँ, भी चल रहा होता है, राइबोसोम जुड़ जाते हैं, पॉलीसोम जैसे स्ट्रक्चर भी इस पे बन जाती है। इसीलिए यहाँ पे इस टर्म का यूज किया गया है जिसको आप कहते हैं कपल्ड प्रोसेस। ये किसमें होती है? सिर्फ बैक्टीरिया में होती है, ठीक है। ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस इन सेम कंपार्टमेंट बैक्टीरिया। अभी अपन ने बात की है सेम कंपार्टमेंट, क्योंकि न्यूक्लियस जैसे कोई स्ट्रक्चर होती नहीं है, तो अपने पास में सब कुछ जो प्रोसेस होता है वो साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होगा, तो इसमें कंपार्टमेंट अपने पास में डिवाइड नहीं होता। बिल्कुल, ठीक है सर। ट्रांसलेशन कैन नॉट बिगिन बिफोर द एमआरएनए इज फुल्ली ट्रांसक्रिप्ट इन बैक्टीरिया। बिल्कुल, जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया में क्या होता है बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन पूरा होता है, उससे पहले क्या होता है, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अपन यहां कह सकते हैं कि साहब ये जो प्रोसेस है, ट्रांसलेशन कैन नॉट बिगिन
बिफोर द mRNA इज फुली ट्रांसक्रिप्ट इन बैक्टीरिया, ये यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हो गए सर? ए और सी आंसर विल बी सेकंड, ये यहाँ पे सेकंड बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट यहाँ पे है 53 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ए एंड बी बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोटीन। तो देखिए ये बच्चों यहाँ पे ग्लूकोज की पूरी यहाँ पर चेन है, मतलब पॉलीसेकेराइड है और ये ब्रांच पॉलीसेकेराइड है, तो ब्रांच जब भी बनेगी तो अपने पास में 1-6 बॉन्ड बनेगा, और जब अपने पास में ब्रांच नहीं बनेगी तो 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। बिल्कुल, जैसे मान लो अपने पास ये बच्चों यहाँ पर एक ही चेन है, अगर एक ही चेन होती है तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पर ये ग्लूकोज का यहाँ पे फोर्थ कार्बन है, तो फर्स्ट कार्बन एंड फोर्थ कार्बन यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ये यहाँ पे हो गया 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो एक ही चेन अगर होती है तो एक ही चेन के अंदर सिर्फ 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होगा, लेकिन बच्चों जहां पर दो अलग अलग चेन का एडिशन होता है, यहाँ पे कौन सा हो गया, ये बच्चों यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है और देखो यहाँ पे होगा CH2OH, तो यहाँ पे 6 कार्बन है, तो 1-6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया। बिल्कुल, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ए है सर वो तो कौन सा हो गया, 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और बी यहाँ पे कौन सा हो गया, 1-6 हो गया, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया फर्स्ट ऑप्शन। और जितने भी ब्रांच पॉलीमर होंगे उनके अंदर अपने पास में 1-6 मिलेगा, और जैसे अपने पास में कौन हो जाएगा सर, स्टार्च वगैरह, ठीक है, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, तो इनमें अपने पास में 1-6 बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। और अपने पास में सेलुलोज जो है अपने पास में अनब्रांच पॉलीमर है, तो इसमें केवल और केवल अपने पास में कौन सा मिलेगा, 1-4 ग्लाइकोसिडिक। अगर एक ही चेन है तो 1-4 सीधी चेन है, सीधी श्रृंखला है, तो 1-4, और श्रृंखला में अगर ब्रांच आ गई तो अपने पास में 1-6। जहां पर भी एक ब्रांच बच्चों दूसरी ब्रांच के साथ जुड़ेगी ना, वहां पे कौन सा आ जाएगा, 1-6 बॉन्ड आ जाएगा, 1-6। नेक्स्ट अपन बात यहां पे करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग गिवन स्ट्रक्चर्स, दी गई संरचनाओं के संदर्भ में कौन सा सही है। ये बच्चों अपने पास में ए है, देखो इसके अंदर ये जो डायग्राम है एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है, ये बच्चों यहाँ पर लेसिथिन की स्ट्रक्चर है, लेसिथिन जो है अपन कह सकते हैं एक फॉस्फोलिपिड का टाइप है, एक्चुअली फॉस्फोलिपिड के बच्चों दो टाइप होते हैं, लेसिथिन भी यहाँ पे होता है, सिफेलिन भी होता है, तो ये एक फॉस्फोलिपिड हो गया। ये देखो बच्चों यहाँ पर इस तरीके से दो रिंग है, इसका मतलब ये प्यूरिन है, और प्यूरिन में यहाँ पर ये जो डायग्राम है वो अपने पास में किसका है, ये अपने पास में एडिनिन का डायग्राम है, एडिनिन का डायग्राम, एक रिंग होती हाँ। तो अपने पास में हो जाता पाइरिमिडिन, बिल्कुल दो रिंग वाले होते हैं वो प्यूरिन वाले होते हैं, पाइरिमिडिन में तो सिर्फ एक रिंग होती है, उसका नाम ही है पाइरिमिडिन रिंग, और जो प्यूरिन है उसमें दो रिंग होती है, एक तो पाइरिमिडिन और एक इमिडाज़ोल रिंग, इमिडाज़ोल, ये यहाँ पे कंडीशन पाई जाती है। सी में बच्चों अपन यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे है अपने पास में ग्लिसरॉल हो गया, जिसके साथ में ये बच्चों तीन यहाँ पर फैटी एसिड है, तो सर एक ग्लिसरॉल के साथ में तीन फैटी एसिड है, तो ट्राइग्लिसराइड, बिल्कुल कंडीशन यहाँ पे हो गया ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड हो जाएगा, मोनोग्लिसराइड हो जाएगा, ये आर जितने भी होंगे उतने अपने पास। ये बच्चों इस तरीके से अपन इसको समझा सकते हैं, CH2 CH CH2 OH OH OH, ये देखो बच्चों यहाँ पर एक ग्लिसरॉल के अंदर तीन OH है, इसको हम बोलते हैं ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन, तो यहाँ पर अगर तीन OH है इसका मतलब तीन बार ये अपन कह सकते हैं फैटी एसिड के साथ जुड़ सकता है, तो अगर मान लो ये एक फैटी एसिड के साथ जुड़े तो मोनोग्लिसराइड, दो के साथ जुड़े तो डाइग्लिसराइड, तीन के साथ जुड़े तो ट्राइग्लिसराइड। और एग्जाम का नीट का जो बच्चों फेमस क्वेश्चन है वो ये होता है कि ट्राइग्लिसराइड के अंदर फैटी एसिड कितने होते हैं एंड ग्लिसरॉल कितने होते हैं, तो याद रखना ट्राइग्लिसराइड के अंदर जो बच्चों ग्लिसरॉल है वो तो हमेशा एक ही होता है, फैटी एसिड जो है वो बच्चों कितने होते हैं, तीन यहाँ पे होते हैं। ये जैसे अपन इनको ले सकते हैं कि R1, R2, R3 तीनों बराबर ही हो तो ये मोनोग्लिसराइड में ही इंक्लूड होगा, क्योंकि भाई R1 जैसा होगा वैसा ही R2 हो तो ये मोनोग्लिसराइड का पार्ट हो जाएगा, अगर मान लो कि ये तीनों ही अलग है तो ये ट्राइग्लिसराइड का पार्ट हो जाएगा, और मान लो कि इस तरह से आपको दे रखा हो तो ये डाइग्लिसराइड का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने भी सर बता रहे हैं कि भाई जितने भी एसिड अपने पास में इसमें इंक्लूड होते हैं उतना ही नाम अपने पास में बढ़ता जाता है, पर मोनो मिनिमम और ट्राई मैक्सिमम। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे है हाँ, उसका जो बच्चों करेक्ट आंसर है अपन कह सकते हैं वो कौन सा हो गया, ये तो अपने पास में हो गया लेसिथिन, ये एडिनिन, ये अपने पास में हो गया ट्राइग्लिसराइड, और ये सर यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है, तो करेक्ट आंसर की मैचिंग अपन इसमें कर लेते हैं, ए तो लेसिथिन है और बी यहाँ पे हो गया अपने एडिनिन, सी यहाँ पे है ट्राइग्लिसराइड, ये बच्चों यहाँ पे आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन, लेसिथिन जो है अपने पास में, ठीक है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा यहाँ पे गलत कथन है। रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज द प्राइमरी स्टेप फॉर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर जीन को एक्सप्रेस होना है, मतलब जीन को अपना कैरेक्टर शो करना है, जीन को प्रोटीन बनानी है, तो बच्चों बेसिकली यहाँ पे जीन का मतलब डीएनए होता है। जैसे मान लो अपने पास में ये कोई इस तरीके से डीएनए है, एंड डीएनए के अंदर वो पार्ट जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसे हम लोग जीन कह देते हैं। जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे डीएनए में यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन स्टोर, तो जीन हो गया। तो अब ये डीएनए, अब ये जीन अगर अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करना चाहता है, तो सबसे पहले वो फॉर्मेशन किसका करता है, आरएनए का, और फिर फॉर्मेशन किसका करता है सर, प्रोटीन का। तो फर्स्ट स्टेप जो यहाँ पे हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए का फॉर्मेशन ही अपने पास में ट्रांसक्रिप्शन है। तो जब अगर अपने को जीन एक्सप्रेशन रोकना है तो अपने पास में या तो आप एमआरएनए या आरएनए बनने से रोक दो, या नहीं रोके तो अपने क्या करेंगे, प्रोटीन बनने से उसको रोक सकते हैं सर, बिल्कुल ट्रांसलेशन लेवल पर। तो दूसरा अपने पास में ट्रांसलेशन लेवल पर, शानदार बात करता है कि अगर अपने को डीएनए से प्रोटीन बनने को रोकना है तो या तो रोक दो ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ट्रांसक्रिप्शन या रोक दो ट्रांसलेशन लेवल पर रोक दो, बिल्कुल। तो अपने पास में प्रथम चरण ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसलिए अपने पास में इसमें अपने पास में इनकरेक्ट पूछा है, तो ये आंसर ये होगा। इन बैक्टीरिया मोर देन वन जीन्स इज अरेंज्ड टुगेदर एंड रेगुलेटेड इन यूनिट्स कॉल्ड एज ओपेरॉन, बिल्कुल सही बात है। ओपेरॉन कांसेप्ट किसमें होता है, बैक्टीरिया में होता है, बैक्टीरिया में होता है सर, बिल्कुल। जैसे स्ट्रक्चरल जीन हो जाएंगे, ये मोर देन अपने पास में वन हो सकते हैं, यहाँ पर ऑपरेटर हो जाएगा, और अपने पास में जो रेगुलेटर जीन हो जाएगा, बिल्कुल। इस तरह से अपने पास में एक से ज्यादा जीन एक एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, बिल्कुल। जैसे लैक्टोज के उपापचय को कंट्रोल, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाले जीन हो, और तभी सर इसका नाम ही जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन है। ओपेरॉन मतलब अपने पास में एक यंत्र होता है, एक गाना बजाने वाला यंत्र होता है, तो उसमें बहुत सारे लोग एक साथ बजाते हैं, वो एक आदमी से बजता नहीं है। तो अपने पास में वही है कि बहुत सारे जीन एक साथ अपने पास में काम करे, तो सब मिलकर एक यूनिट की तरह, यूनिट की तरह काम करते हैं। फिर यहाँ पे है, तो अपने पास से कह सकते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ट्रांसलेशन इज ए प्रोसेस दैट हैज इवॉल्वड अराउंड आरएनए इंडिकेटिंग दैट लाइफ बिगन अराउंड आरएनए, बिल्कुल। अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन जो है इसका मतलब है कि जो आरएनए है उससे प्रोटीन का बनना, तो आरएनए के अराउंड ही होती है। सही बात है। डीएनए इज केमिकली एंड स्ट्रक्चरली लेस स्टेबल देन मोर स्टेबल, ये सर यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। पूछा भी अपने को इनकरेक्ट ही है, तो आंसर यहाँ पे हो गया फोर्थ ऑप्शन, बिल्कुल मोर स्टेबल होता है। वो भी किसके कारण से होता है अपने पास में सर, एक तो थायमिन जो 5-methyl यूरेसिल है जिसके कारण एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप है उसमें, और एक राइबोज शुगर की जगह अपने पास में कौन सी है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है। एक ऑक्सीजन की कमी है तो अपने पास में वो भी राइबोज में, तो क्या होता है कि सेकंड कार्बन पे OH होता है, तो वो OH क्या किसी के साथ रिएक्शन कर सकता है, तो रिएक्टिविटी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। लेकिन आरएनए में क्या होता है, जो डीएनए है, डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज है, मतलब सेकंड कार्बन पे OH है ही नहीं, सिर्फ H ही है, तो रिएक्टिविटी कम हो गई, स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, यहाँ पे कंडीशन है। तो आंसर यहाँ पोर्ट हो गया था। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट All biological catalyzed are protein is no more valid because of the discovery of ribozyme. जब हमने ribozyme की discovery की, ये एक ऐसा enzyme है जो RNA से बनता है। RNA से बनता है, और ये 23 ऐसा RNA से बनता है। 23 ऐसा RNA, 23 जो कि 70S ribosome में available होता है। जो कि 70S ribosome में available होता है, और 70S ribosome जो होता है वो अपने पास में mainly prokaryote का character हो गया सर। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम जो करेगा वो अपने पास में ये ही करेगा राइबोसोम, बिल्कुल। यूकैरियोट में इसीलिए सर उसमें लाइन लिखी है एनसीईआरटी के अंदर कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो एक कैटलिस्ट की तरह वर्क कर सकता है, कैटलिस्ट। तो वो न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे कौन सा है, 23SRR, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं राइबोसोम, राइबोसोम से इसका आंसर हो जाएगा, लाइसोजाइम एंजाइम और राइबोन्यूक्लियस, ये सब सर प्रोटीन से बनते हैं, प्रोटीन से। आंसर यहाँ पे हो गया फर्स्ट ऑप्शन। Choose the incorrect combination from the following. निम्न में से असंगत संयोजन का चयन कीजिए। ट्राइग्लिसराइड, एस्टर बॉन्ड, बिल्कुल अपन कह सकते हैं। ROR जो बॉन्ड होते हैं, एस्टर बॉन्ड होते हैं, कह सकते हैं। जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में अटैच होंगे, हाँ, तब यहाँ पे बच्चों H2O का मॉलिक्यूल तो निकल जाता है और एस्टर बॉन्ड बन जाता है। एस्टर बॉन्ड बन जाता है, सही है। कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड, बिल्कुल। कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड से लेकर के पॉलीसैकेराइड तक हो सकता है। ग्लूकोज वगैरह जो है वो अपने पास में मोनोसैकेराइड होते हैं, फिर डाई ट्राई ऐसे चलते हैं। सुक्रोज वगैरह डाइसैकेराइड है, स्टार्च वगैरह पॉलीसैकेराइड पॉलीसैकेराइड।
तो ये भी यहाँ पे करेक्ट करेक्ट है करेक्ट। पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बिल्कुल अभी सर बात की थी अपन, ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच में बॉन्ड कौन सा था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। डाइपेप्टाइड टू पेप्टाइड बॉन्ड, बच्चों डाइपेप्टाइड का मतलब यहाँ पे होता है टू एमिनो एसिड, टू एमिनो एसिड, टू एमिनो एसिड जब जुड़ते हैं तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है सर, अपन बना देते हैं इसमें, ठीक है। ये वाला जो बॉन्ड बनेगा अपने पास में, ये होगा अपने पास में कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बिल्कुल। तो देखो बच्चों यहाँ पे डाइपेप्टाइड का मतलब सोचते हैं कि भी टू पेप्टाइड है, यहाँ पे डाइपेप्टाइड का मतलब होता है टू एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, और टू एमिनो एसिड के बीच बॉन्ड कौन सा होगा, एक ही पेप्टाइड बॉन्ड होगा। ये अपन किस तरीके से भी शो कर सकते हैं इसको, जैसे अपने पास में यू, ये बच्चों अपने पास में क्या है, एक अपन कह सकते हैं एमिनो एसिड है, ये जुड़ता है एक दूसरे एमिनो एसिड के साथ में, दूसरे NH2COH, ये यहाँ पे H, ये यहाँ पे कौन सा है R, R सर यहाँ पे चेंजेबल होता है, हाँ, इस रिएक्शन बिल्कुल। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आता है कि 20 टाइप के एमिनो एसिड होते हैं, उनमें से हर एमिनो एसिड के अंदर जो कार्बन की तीन वैलेंसी है वो तो फिक्स रहती है, बस R यहाँ पे चेंजेबल होता है। सही कह रहे हो, यहाँ पे जैसे COH है और NH2 है, पानी निकल जाएगा बिल्कुल, यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो इस तरीके से NH2 में से एक हाइड्रोजन और OH यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पे एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये सर यहाँ पे रॉन्ग है, और कुछ अभी अपने को रॉन्ग ही है, किसी की बात है, तो यहाँ पे आंसर अपना हो गया थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल। आगे चलते हैं, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाउंड टू एन एंजाइम एंड एसेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटी इज कॉल्ड, बिल्कुल बच्चों यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को पूछा है एंजाइम के साथ। एक्चुअली क्या, एंजाइम दो टाइप के होते हैं, एक तो यहाँ पर एंजाइम होता है सिंपल एंजाइम, और एक यहाँ पे होता है अपने पास में कॉम्प्लेक्स एंजाइम। जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम होगा उसी को हम लोग कहते हैं होलो एंजाइम, होलो एंजाइम। ये अपने पास में है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम के अंदर दो पार्ट है, एक तो प्रोटीन पार्ट, एक नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट का नाम तो सर क्या था, एपोएंजाइम। नॉन प्रोटीन का नाम था कोफैक्टर। अब ये जो कोफैक्टर है ये दो टाइप का हो जाएगा, ये अपन कह सकते हैं ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, या तो कोएंजाइम हो जाएगा, बिल्कुल कोएंजाइम, और या अपने पास में ये मेटल वाला हो जाएगा, या प्रोस्टेटिक ग्रुप हो सकता है, प्रोस्टेटिक ग्रुप वाला, बिल्कुल। तो अपने पास में प्रोस्टेटिक ग्रुप जो है वो अपने पास में सब्सटेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस, बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात की है। तो देखो होलो एंजाइम तो खुद यहां पर एंजाइम हो गया, एंजाइम हो गया, एपोएंजाइम प्रोटीन वाला पार्ट हो गया, इसने अपने को ऑर्गेनिक सब्सटेंस पूछा है, तो अपने पास में कोएंजाइम वाला पार्ट, अपने पास में ये वाला पार्ट जो कोफैक्टर का भाग है कोएंजाइम, ये अपने पास में ऑर्गेनिक वाला पार्ट, और मेटल वाले में तो जिंक वगैरह आ जाएंगे सर, जिंक जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं वो एज ए मेटल आयन वर्क करते हैं, हां जैसे जिंक कार्बोक्सी पेप्टाइड्स के लिए हो गया, और अपने पास में मैग्नीशियम तो काफी के लिए होता है, एक्सोकाइनेज के लिए, रुबिस्को के लिए भी, मैग्नीज वगैरह भी हो जाते हैं। इस तरीके से अपन एक बात यहां पे और भी सर कह सकते हैं कि ये जो एंजाइम वगैरह होते हैं ये दो टाइप के हैं, सिंपल भी है कॉम्प्लेक्स भी है। एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है एनसीईआरटी के अंदर कि कॉम्प्लेक्स एंजाइम के अंदर दो पार्ट है, एपोएंजाइम भी है और कोफैक्टर भी है। हाँ। अगर को फैक्टर को निकाल दिया जाए तो फिर होलो एंजाइम वर्क ही नहीं करेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ बच्चों आप लिखा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूज आपको ऐसे करेंगे कि अगर को फैक्टर को निकाल दिया जाए तो होलो एंजाइम की एक्टिविटी अप होगी, डाउन होगी, या स्टॉप हो जाएगी, तो यहाँ पे बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। बाकी ये प्रोटीन का पार्ट जरूर है लेकिन वर्क नहीं करेगा, बिल्कुल, क्योंकि इसमें वर्क करने के लिए कोफैक्टर चाहिए ही। 90% पार्ट तो एपोएंजाइम है, लेकिन ये 1% पार्ट जो है इसको एक्टिव करने के लिए चाहिए, चाहिए, बिल्कुल चाहिए, इसके बिना ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे सर आंसर कौन सा हो गया अपने, फर्स्ट इसका सही आंसर। Which one of the following graph best represent the relationship between the velocity of an enzyme catalyzed reaction and substrate concentration? तो पर यहाँ बिल्कुल कह सकते हैं, जैसे कोई भी जो एंजाइम होता है, ये बच्चों मान लो इस तरीके से एंजाइम है, एंजाइम प्रोटीन से बनता है, प्रोटीन, तो एंजाइम के अंदर क्या होता है, एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट वो साइट होती है जहां पे सबस्टेट अटैच होगा और फॉर्मेशन किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा, जितनी सर एक्टिव साइट होती है उतनी एंजाइम की ज्यादा रिएक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे अपने को ग्राफ पूछा है सबस्टेट कंसंट्रेशन के साथ में, बिल्कुल, तो इस तरीके से अपन यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, जैसे सर ने बताया कि सबस्ट्रेट ज्यादा होता जाएगा वैसे वैसे एक्टिव साइट से जुड़ता जाएगा, और जुड़ता जाएगा तो अपने पास में प्रोडक्टिविटी अपने पास में क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब सारी की सारी एक्टिव साइट बढ़ जाएंगी तो अपने पास में कंडीशन सैचुरेशन में चला जाएगा, मैक्सिमम स्पीड पे चला जाएगा। जैसे मान लो अपने पास किसी एंजाइम में 100 एक्टिव साइट है और आपने बच्चों सबस्ट्रेट बढ़ाया 1 से 50, 50 से 100 कर दिए,
तो जब तक सारी एक्टिव साइट कंज्यूम नहीं होती सर, तब तक तो क्या होता है, रिएक्टिविटी बढ़ती है, बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे नंबर ऑफ एक्टिव साइट इज जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ सबस्ट्रेट, देन रेट ऑफ रिएक्टिविटी बिकम कांस्टेंट। तो यहां पर ग्राफ इस तरीके से इस तरह से अपने पास में ग्राफ जो है कांस्टेंट हो जाता है, लास्ट में सैचुरेशन स्टेट आ जाता है। क्वेश्चन के हिसाब से सर यहां पे अपना आंसर बैठ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। बिल्कुल, आगे हम इसके बात भी करेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी इसमें आएंगे शायद। हां आएंगे भी, मैक्सिमम वाले बाय 2 km कांस्टेंट वाले, वो सब की बात अपन यहां करते रहेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 60, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एंजाइम, दे एक्ट एट ए स्पेसिफिक पीएच, बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है। दे एक्ट ऑन ए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, ये भी बिल्कुल सही है, करेक्ट है, हर का सही है। दे एक्ट एट ए स्पेसिफिक टेंपरेचर, ये भी सही है। दे आर मेड अप ऑफ फैट एंड शुगर, नहीं बिल्कुल। अब देखते हैं अपन बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 61, व्हिच बॉन्ड्स आर इंडिकेटेड बाई एक्स एंड वाई इन गिवन डायग्राम। तो यहाँ पे सर एक्स और वाई की बात अपने पूछी है, देखते हैं क्या इसमें। देखो सर, ये तो अपने पास में हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, क्योंकि ये अपने पास में नाइट्रोजन बेस पेयर है और नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में अपने पास में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये अपने पास में ट्रिपल बॉन्ड है तो अपने पास में हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। ये अपने पास में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया, फॉस्फोडाइएस्टर, क्योंकि देखो एस्टर बॉन्ड ये है एक तरह से, तो अपने पास में ये, इसमें भी अपने पास में दो एस्टर बॉन्ड है, तो इनको दोनों को मिला करके अपन बोल देते हैं कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो X अपने पास में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया और Y अपने पास में हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। बिल्कुल, तो X सर अपने पास में यहाँ पे आपने बताया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, Y हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया सेकंड ऑप्शन। बिल्कुल, आगे चलते हैं इसके बाद में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग एंजाइम बिलोंग टू, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने वाले एंजाइम कैसे समृद्ध होते हैं। ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज तो सर वो हो गया जो एक पूरे के पूरे ग्रुप को ट्रांसफर करता है नेक्स्ट के ऊपर। जैसे मान लो अपने पास हेक्सोकाइनेज होता है, तो हेक्सोकाइनेज क्या करता है, जो एटीपी है उसमें पूरा का पूरा जो फॉस्फेट ग्रुप उसको ट्रांसफर करता है। ऑक्सीडोरिडक्टेज ये क्या करता है, जैसे मान लो कोई सबस्टांस ए है, एक सबस्टांस यहां पर बी है, तो ए से यहां पे इलेक्ट्रॉन को निकाल कर बी में जोड़ देगा, तो इसका तो यहां पे हो गया ऑक्सीडेशन, इसका हो गया रिडक्शन। तो एंजाइम का नाम ही क्या हो गया, ऑक्सीडोरिडक्टेज। तो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने वाला जो एंजाइम है वो सर, अच्छा एंजाइम भी नहीं, उस एंजाइम की जो कैटेगरी होती है उसे हम लोग बोलते हैं सर ऑक्सीडोरिडक्टेज कैटेगरी। ये यहाँ पे कंडीशन है। और लाइजेज तो सर यहाँ पर ब्रेक डाउन करता है, आइसोमराइजेशन हो जाता है, आइसोमराइजेशन जैसे ग्लाइकोलाइसिस बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तो वो यहाँ पे आइसोमराइज से बन जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अपने पास में हो गया सेकंड ऑप्शन, एल फॉर्म को डी बना देगा, डी को एल बना देगा, इस तरह से चेंज। इसके बाद में है हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन, हिस्टोन प्रोटीन किससे प्रचुर होती है। तो देखो सर बिल्कुल यहाँ पर स्कोरिंग क्वेश्चन अपने पास में, हिस्टोन प्रोटीन जो है उसमें लाइसिन एंड आर्जिनिन जो है ये काफी रिच अमाउंट में होते हैं। जैसे हिस्टोन प्रोटीन में जो H1 है, H2A और H2B है, इसमें होती है ज्यादा लाइसिन, और जो H3 H4 है इनमें होती है ज्यादा आर्जिनिन। लेकिन यहाँ पे सब पूरे स्टोन प्रोटीन की बात की है, तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा आर्जिनिन एंड लाइसिन। क्षारीय होते हैं ये अमीनो एसिड और क्षारीय स्टोन प्रोटीन इनकी वजह से होती है। बिल्कुल, तो यहाँ पे आंसर हो गया अपने पास में फोर्थ। फिर है नंबर 64 नंबर क्वेश्चन, एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज, अनुलेखन के लिए आवश्यक एंजाइम यहाँ पे कौन सा होगा। तुम कह सकते हैं आरएनएस, एंडोन्यूक्लिएस, आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे सर अनुलेखन की बात यहाँ पर की है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन की बात की है। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए बनता है, तो आरएनए बनाने वाला एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। बिल्कुल, और डीएनए से डीएनए बनाने वाला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। खत्म, अपने पास में आंसर थर्ड, आंसर यहाँ पे हो गया अपने पास में थर्ड ऑप्शन। थोड़ा सा अपन इसको बच्चों को सर ऐसे भी कह देते हैं ताकि दिक्कत बच्चों की आए नहीं। जैसे अपने पास में डीएनए है, बच्चों डीएनए से बनना है अपने पास में आरएनए, या फिर ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो कि जो आरएनए है उससे बन जाए डीएनए, या फिर जो डीएनए है उससे क्या बन जाता है डीएनए। तो जो चीज बनती है वो तो हो जाता है पॉलीमरेज एंजाइम, और जिससे बनता है उस पर वो डिपेंडेंट हो जाएगा। जैसे डीएनए से बनता है आरएनए, तो एंजाइम कौन सा होगा यहाँ पर, आरएनए पॉलीमरेज, कौन सा, डीएनए डिपेंडेंट। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अगर बच्चों आरएनए से बनता है डीएनए, तो एंजाइम कौन सा हो गया, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अगर डीएनए से डीएनए बनता है तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जिससे बनता है उस पर डिपेंडेंट हो गया, और जो बनता है वो पॉलीमरेज होगा, पॉलीमरेज। ये यहां पे कंडीशन आती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन ऑफ लैक ओपेरॉन, तो बिल्कुल अपन कह सकते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जो लैक ओपेरॉन है इसमें स्ट्रक्चरल जीन मुख्यतः तीन होते हैं, जेड जीन, वाई जीन एंड ए जीन।
जेड जो है उससे बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई से बनता है परमीएज और ए से बनता है ट्रांस एसिटाइलेज। तो यहाँ पे अपने पास सेकंड आंसर। सेकंड आंसर इन लैकोपेरोन इंड्यूसर लैक्टोज सर्वर एस एन एंजाइम सबस्ट्रेट 4। लैकोपेरोन में प्रेरक लैक्टोज किसके लिए एंजाइम का सबस्ट्रेट होता है? तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है इसके लिए सबस्ट्रेट है क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, इस लैक्टोज के साथ अटैच होगा और इसका सब ब्रेकडाउन कर देगा, ब्रेकडाउन कर देगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर, गैलेक्टोज के अंदर बिल्कुल। तो यहां पर जो बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम है इसका जो सबस्ट्रेट है जिससे ये एंजाइम रिएक्शन करेगा वो कौन हो गया अपने पास में, ये अपने पास में लैक्टोज हो गया। आंसर यहां पे हो गया थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल। प्रिमरेज जो होता है वो तो अपने पास में प्रिमेलेटी को बढ़ाता है बिल्कुल, और वो एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है, तो अपने पास में आंसर था बिल्कुल। Which of the following statements is incorrect regarding enzyme activity? Enzyme activity के regarding कौन सा यहाँ पे incorrect है? It increase with increase in substrate concentration up to the saturation point। बिल्कुल यहाँ पे सही स्टेटमेंट है, अगर हम सबस्ट्रेट को बढ़ाए तो एंजाइम की रिएक्टिविटी भी बच्चों ज्यादा होती है, और ज्यादा तब तक होती है जब तक कि एंजाइम के एक्टिव साइट जो होती है वो पूरी की पूरी सेचुरेट नहीं हो जाती, जहां तक कि मतलब ये भी मैक्सिमम नहीं आ जाता तब तक अपने पास में क्या होती है, इंक्रीज होती है बिल्कुल। फिर इसके बाद में है इट इज हाईएस्ट एट ऑप्टिमम पीएच वैल्यू, जो ऑप्टिमम पीएच वैल्यू होती है वहां पर ये हाईएस्ट होती है, इस तरीके से अपना ग्राफ ये बन जाता है, ये बन जाएगा। इट इनिशियली डिक्रीज विद इंक्रीज इन पीएच वैल्यू, अगर पीएच वैल्यू को बढ़ाया जाए तो डिक्रीज हो, ये बच्चों स्टेटमेंट जो बेसिकली हम रॉन्ग मानते हैं, ये यहां तक तो बढ़ेगी सर, हाँ ना बिल्कुल, जब तक कि मैक्सिमम नहीं आ जाएगी तब तक बढ़ेगी। ये स्टेटमेंट सही तब होगा जब यहाँ पर ये लिखा जाए कि एसिडिक एंजाइम के लिए, अगर एसिडिक एंजाइम के लिए आप पीएच को बढ़ाते हो तो उस सिचुएशन के अंदर ग्राफ जो है वो इस तरीके से आता है, इस तरीके से। बेसिक एंजाइम की बात करें तो ग्राफ इस तरीके से आता है, कुछ नहीं कहा जाए तो ग्राफ को इस तरीके से शो करते हैं, टेंपरेचर के अकॉर्डिंग ही अपन पीएच को लेकर के चलते हैं, क्योंकि प्रारंभ में बढ़ेगी और जब तक अपने पास में मैक्सिमम हो जाएगी फिर उसके बाद भी डिक्रीज होने लगेगा। थोड़ा सा बच्चों आपको यहां पर एग्जाम में कंफ्यूज भी कर सकते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि पेप्सिन एंजाइम के लिए पीएच का ग्राफ बताइए कौन सा है, तो पेप्सिन बच्चों यहां पर एक एसिडिक एंजाइम है और एसिडिक एंजाइम के लिए ग्राफ फिर आप ये मत बनाना, तब यहां पे ग्राफ आएगा ये वाला, क्योंकि एसिडिक एंजाइम के लिए अगर आप पीएच को बढ़ाते हो तो ग्राफ डाउन हो जाएगा। इट इनिशियली इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड देन डिक्रीज, बिल्कुल सेम यहाँ पे टेम्परेचर का ग्राफ होता है, अगर आप टेम्परेचर को हाई करते हो तो रिएक्टिविटी ऑफ एंजाइम बढ़ती है लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो एंजाइम के प्रोटीन के बोन्ड्स होते हैं वो टूटना धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। तो सर इसने यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, तो थर्ड हो गया बिल्कुल, थर्ड यहाँ पे रॉन्ग हो गया, आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो गया। 68 what is the denoted by x and y in the given graph, ग्राफ में अपने को यहां पे x और y को बताना है, तो यहां पे x जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है जब एंजाइम यूज हो, हां विद एंजाइम, एंजाइम का काम ही ये होता है कि रास्ते को सॉर्ट कर देता है बिल्कुल, ठीक है, रास्ता सॉर्ट हो गया, पहले अपने पास में इतनी दूर जाकर के फिर प्रोडक्ट मिल रहा था, अब रास्ता सॉर्ट हो गया तो अपने पास में इतने दूरी जाना पड़ता है, तो स्पीड भी इंक्रीज हो गई और अपने पास में एनर्जी भी कम लग गई सर, यहाँ पर सारा खेल जो है एक्टिवेशन एनर्जी का है। जैसे अपन इस तरीके से बच्चों यहाँ पे कोई ग्राफ बनाए, सपोज यहाँ पर कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन का ग्राफ है, तो ये बच्चों यहाँ पे सबस्ट्रेट है, ये यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो इस ग्राफ में आप बता सकते हो कि ज्यादा एनर्जी प्रोडक्ट की है, लेकिन ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि ग्राफ इस तरीके से आ जाए, तो ये सबस्ट्रेट ये प्रोडक्ट, तो देखो बच्चों यहाँ पे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, सबस्ट्रेट की होगी, तो सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट में से ज्यादा एनर्जी किसी की भी हो सकती है, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि इन दोनों से ज्यादा एनर्जी जो है वो ट्रांजिशन स्टेज की होती है, और ट्रांजिशन स्टेज की जो एनर्जी होती है उसके फॉर्मेशन के लिए आपको जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे मान लो बच्चों सबस्ट्रेट के पास में एनर्जी है 5 जूल और जो ट्रांजिशन स्टेज है यहाँ पर एनर्जी है 15 जूल, तो आपको यहाँ पर 10 जूल की एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, तब ये सबस्ट्रेट जो कन्वर्ट किस में हो पाएगा, ट्रांजिशन स्टेज के अंदर इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो पाएगा, फिर उसके बाद फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, प्रोडक्ट का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये बच्चों एक बड़ा बैरियर था, एक बड़ा गैप था, लेकिन जैसे आपने एंजाइम का यूज किया तो एंजाइम का यूज करने से क्या हुआ, ये जो ब्रेकर था ये बच्चों डाउन हो गया, इसीलिए अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि वाई जो है वो तो तब है जब एंजाइम एब्सेंट है और एक्स तब है जब एंजाइम प्रेजेंट है, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं सर एक्स कौन सा हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम,
और वाई है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। रॉन्ग हो गया सर। हाँ विद एंजाइम एक्स विदाउट एंजाइम। बिल्कुल एक्स यहाँ पे हो गया अपने पास में विद एंजाइम। तो विद एंजाइम अपने पास कौन सा हो गया? सेकंड हो गया। ठीक ओके। एन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक एमिनो एसिड टायरोसिन ट्रिप्टोफैन फेनिलएलनिन। सारे यहाँ पे सर आंसर फोर्थ ऑप्शन हो गया। बकायदा एनसीईआरटी की लाइन है स्कोरिंग क्वेश्चन अपने पास। ये बिल्कुल आ सकता है डायरेक्ट। बिल्कुल कई बार आए भी है। कई बार आए जैसे कई बार तो ये चारों दे देता है कई बार कोई एक दे देता है। सही बात। 70 नंबर क्वेश्चन फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। एक एंजाइम का पुनर्भरण संदमन प्रभावित किससे होता है? एंजाइम इटसेल्फ एक्सटर्नल फैक्टर एंड प्रोडक्ट या सबस्ट्रेट। तो सर यहां पर प्रोडक्ट हो जाएगा क्योंकि भाई कोई भी एंजाइम जो है उसका फीडबैक कौन देगा? फीडबैक उसका प्रोडक्ट देगा। तो जब प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो प्रोडक्ट उसको अपने पास में नेगेटिव फीडबैक दे देगा और नेगेटिव फीडबैक देने से अपने पास में उस एंजाइम का सेक्रेशन या फॉर्मेशन रुक जाएगा जिससे अपने पास में रिएक्शन क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। बिल्कुल। तो अपने पास में एंड प्रोडक्ट हो गया। या फिर अपन इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे अपने पास में ये कोई एंजाइम है और ये अच्छा ये जो एंड प्रोडक्ट का इनहिबिशन है ये सारे एंजाइम में नहीं होता है। नहीं नहीं कुछ एंजाइम होगा जिसको बोलते हैं अपन एलोस्टेरिक एंजाइम। यहाँ पर एक तो होती है पॉजिटिव एलोस्टेरिक साइट एक होती है नेगेटिव एलोस्टेरिक साइट। पॉजिटिव एलोस्टेरिक साइट क्या करती है एंजाइम को ऑन रखती है और जो नेगेटिव एलोस्टेरिक साइट है वो एंजाइम को ऑफ कर देती है। अब जैसे ही बच्चों ये जो अपने पास में एंजाइम है ये एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन कर लेगा फिर उस सबस्ट्रेट को चेंज किसमें कर देगा? प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। ये फॉर्मेशन यहाँ पे किसका हो गया? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो अलग कंडीशन है। अगर मान लो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है सपोज वो ज्यादा हो गई तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होने से क्रिएट होगा एक नेगेटिव फीडबैक और वो नेगेटिव फीडबैक नेगेटिव एलोस्टेरिक साइट पे जुड़कर उसकी एक्टिविटी कम कर देगा। अगर मान लो बच्चों अभी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है तो क्रिएट होगा एक पॉजिटिव फीडबैक। वो पॉजिटिव फीडबैक पॉजिटिव एलोस्टेरिक साइट पे जुड़कर इसको अभी ऑन रखेगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों इस एंजाइम की रिएक्टिविटी को कंट्रोल किसने किया है? उस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ने किया है। इसको हम लोग बोलते हैं एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। ये यहाँ पे कंडीशन है। फिर यहाँ पे सर 70 नंबर क्वेश्चन 71 द 20 डिफरेंट एमिनो एसिड्स हैव डिफरेंट। अभी सर हमने बात की भी थी कि कितने भी टाइप के एमिनो एसिड हो उनमें जो कार्बन की जो अल्फा कार्बन इसमें होता है उसकी तीनों वैलेंसी जो होती है वो हमेशा फिक्स रहती है। बस आर वाली सर जो है कंडीशन है वो बदलती रहती है। तो जैसे कि अपने पास में हाँ जैसे कि अपने पास में देखो ये फिक्स होती है ये तीन साइट तो अपने पास में फिक्स होगी क्योंकि एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है सर कि ये मैथेन डेरिवेटिव होते हैं एंजाइम मैथेन जैसे होते हैं क्योंकि मैथेन में क्या होता है कि चार वैलेंसी कार्बन की फुल फिलअप होती है। तो अपने पास में वैसे ही क्या होता है कि इसमें भी अपने पास में ये फुल फिलअप होती है चारों वैलेंसी। तो अपने पास में ये हो गया NH2 ये हो गया COH ये हो गया R ये अपने पास में तीनों चीजें कांस्टेंट हो गई और वेरिएबल सिर्फ हो गया R के आधार पर अपने पास में 20 टाइप अपने पास में क्या हो जाते हैं एमिनो एसिड हो जाते हैं। और R सबसे सिंपल क्या हो सकता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन उसे हम कहते हैं ग्लाइसिन। ग्लाइसिन कहते हैं। बिल्कुल। तो यहां पे सर आंसर हो गया अपना फर्स्ट ऑप्शन। सेलेक्ट द राइट ऑप्शन रिगार्डिंग द गिवन ग्राफ। तो यहाँ पे सर ये ग्राफ जो है दो टाइप का हो सकता है पीएच का भी हो सकता है पीएच का भी हो सकता है या टेम्परेचर का भी हो सकता है। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा या तो पीएच या फिर टेम्परेचर और यहाँ पे आ जाएगा रिएक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो एक्स यहाँ पर जो है वो अपने पास में आ जाएगा पीएच या फिर टेम्परेचर और एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी कि भाई अपने पास में जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो जब तक कि इष्टतम पीएच आएगी ऑप्टिमम पीएच तब तक इंक्रीज होगा उसके बाद डिक्रीज हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे हो गया फोर्थ ऑप्शन। फिर इसके बाद में है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली सॉर्ट्स दिस विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी इन द गिवन फ्लो चार्ट। ओके कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दो टाइप की कंडीशन है जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड उसका यूज किया गया है लिविंग टिश्यू को मेजरमेंट करने के लिए। हाँ गर्डलिंग मेथड या फिर उसको पीसने वाले मेथड बोलते हैं लिविंग टिश्यू को लेकर के अपने उसको पीसते हैं। तो अपने पास में दो चीजें उसमें अपने पास में निकलती है सर। बिल्कुल। एक तो अपने पास में एसिड सोल्यूबल पूल होता है जिसमें अपने पास में क्या होता है कि मोनोमर जो होते हैं वो आ जाते हैं। बिल्कुल। लगभग ज्यादातर मोनोमर जिनका अपने पास में मोलिकुलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है 810 डाल्टन से। और जो रेटिनेट होता है इसमें अपने पास में इनसोल्यूबल वाला पार्ट होता है जो इनसोल्यूबल में वो आ जाते हैं जो अपने पास में पॉलीमर होते हैं
जब किसी भी मतलब एक तरह से चालनी जैसी चीज जिसमें पोर होते हैं उससे अगर हम इसको क्या करते हैं इससे अपने पास में इसको छानते हैं तो अपने पास में जो रेटिनाइट वाले पार्ट होते हैं वो तो ऊपर रह जाते हैं तो वो तो इनसोल्युबल हो गया और लिक्विड के साथ में जो छन जाता है वो अपने पास में फिल्ट्रेट हो गया जो अपने पास में मोनोमर 800 डाल्टन से कम पॉलीमर और मोर देन क्या हो जाएगा 800 डाल्टन और यूजली 10000 से ऊपर होते हैं। हां यूज और बस एक्सेप्शन जो आएगा वो कौन सा आएगा सर लिपिड लिपिड क्योंकि लिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं और सेल मेम्ब्रेन में पाए जाने की वजह से वो छोटे छोटे अपने पास में ड्रॉपलेट में चेंज हो जाते हैं इकट्ठे होकर के तो ये ड्रॉपलेट जो होते हैं उस फिल्टर पेपर से गुजर नहीं पाते हैं और ये अपने पास में एसिड इनसोल्युबल पार्ट में रह जाते हैं जनरली। तो अब इसमें अपन देख लेते हैं तो पहला है मॉलिक्यूलर वेट रनिंग फ्रॉम 18 to 800 डाल्टन तो ये अपने पास में ए में आ जाएगा बिल्कुल ठीक है। प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड्स ये अपने पास में आ जाएंगे बी में क्योंकि ये पॉलीमर है ठीक है। और कंटेन केमिकल दैट हैव मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 800 ये भी बी का पार्ट हो जाएगा। मोनोमर जो है वो अपने पास में ए का पार्ट हो जाएंगे और पॉलीमर जो है वो अपने पास में बी का पार्ट हो जाएंगे ये आ रहा है। तो अपने पास में जो ए है उसका तो हो जाएगा फर्स्ट फर्स्ट और फोर्थ फोर्थ थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन। भाई देखो सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट था जैसे अपने पास में कोई भी टिश्यू है उस टिश्यू को हमने यहाँ पे लिया टिश्यू को ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डालकर हमने उसको क्रश कर लिया फिर आपने क्या किया पीसने के बाद में उसको किसी कॉटन के कपड़े पर डाल के या बटर पेपर डाल के आपने उसको इस तरीके से निचोड़ लिया। अब वो सबस्टांस जो उस एसिड के अंदर सोल्यूबल था वो तो उस कपड़े में से पास हो गया लेकिन जो वो सबस्टांस उस एसिड में सोल्यूबल ही नहीं हुआ वो बच्चों वैसे के वैसे कपड़े के अंदर रहा। तो अंडरस्टूड सी बात है सर जो कपड़े में से जाएगा उसकी साइज स्मॉल होती है वो स्मॉल और जो नहीं जाएगा वो लार्ज हो जाएगा। और अगर मान लो अपने पास मोनोमर है तो मोनोमर तो वैसे भी स्मॉल साइज का होता है तो मोनोमर किस में आएगा इस फिल्ट्रेट में आएगा और जो पॉलीमर है वो स्टैंडर्ड में आ जाएगा। बस एक एक्सेप्शन लिपिड का आपको याद रखना है वो भी उसकी वजह से मेम्ब्रेन में पाए जाने की वजह से वो अपने पास। तो आंसर यहाँ पे हो गया थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे है 74 नंबर क्वेश्चन द इनहिबिटर विच डज नॉट रिजेंबल द सबस्ट्रेट इन स्ट्रक्चर एंड बाइंड टू द एंजाइम एट साइट अदर देन द एक्टिव साइट इट इज कॉल्ड। ये सर यहाँ पे हो गया नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो गया जैसे अपने पास में इस तरीके से कोई एंजाइम है एंड ये इस एंजाइम का सबस्ट्रेट है ये यहाँ पर एंजाइम का क्या हो गया सबस्ट्रेट हो गया इस तरीके से ये यहाँ पर सबस्ट्रेट एंजाइम का हो गया। तो देखो बच्चों इन एक्टिव साइट के साथ में ये सबस्ट्रेट अटैच हो सकता है अगर जो इनहिबिटर है उस इनहिबिटर की स्ट्रक्चर भी इस सबस्ट्रेट जैसी होती है तब तो होता है इनमें कंपटीशन वो होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसके अलावा मान लो कोई सबस्ट्रेट साइनाइड है कार्बन मोनोऑक्साइड है लेड है ये ऐसा सबस्टांस है जिसकी स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट से नहीं मिलती है तो सबस्ट्रेट तो अटैच होना चाहेगा एक्टिव साइट पर और जो इनहिबिटर है वो यहाँ पे अटैच हो नहीं पाएगा। तो देखो बच्चों इनमें कोई कंपटीशन नहीं है इसे बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ये अटैच एक्टिव साइट पे नहीं होगा और कहीं पर होगा और ये अटैच होकर के एक्टिव साइट ही चेंज कर देते हैं जिसके कारण से सबस्ट्रेट अपने पास में जुड़ ही नहीं पाता और ज्यादा खतरनाक नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं क्योंकि सर ये एक बार अटैच हो गए तो एंजाइम खराब हो गए इसीलिए कहा जाता है तो बिल्कुल कॉम्पिटेटिव में तो अपने पास में सबस्ट्रेट जो है वो कंपटीशन करके उसको रिमूव कर सकता है। मान लो अपन ने क्या किया सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा कर दी तो अपने पास में इनहिबिटर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी और वो उसको रिमूव कर देगा। अगर मान लो नॉन कॉम्पिटेटिव है तो इसमें तो कोई कंपटीशन ही नहीं है इसे तो एंजाइम को ही खराब कर दिया ये ज्यादा खतरनाक होता है। या फिर सर इस क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे भी घुमा सकते हैं इनमें से कौन सा रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है रिवर्सिबल यहाँ पर जो देखो ये एंजाइम अगर वैसा का वैसे रह जाए इसका मतलब वो कॉम्पिटिटिव था वो तो हो गया रिवर्सिबल लेकिन जो नॉन कॉम्पिटिटिव होता है वो इस एंजाइम के एक्टिव साइट को चेंज कर देता है जिससे अब ये एंजाइम इन फ्यूचर किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा तो ये परमानेंटली जो है आप कह सकते हो डिस्चार्ज हो गया ये यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। तो यहाँ पे आंसर अपने पास में हो गया सेकंड ऑप्शन। 75 नंबर क्वेश्चन है माइकलिस मेंशन कांस्टेंट Km इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन द रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रिएक्शन अटेन्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम। तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि जो सर Km है वो शो करता है वी मैक्सिमम के हाफ को हां कि यहां पर वी मैक्सिमम अपने पास में मान लो कि ये हाफ है इतना पे वी मैक्सिमम अपने पास में एंजाइम प्राप्त करेगा
जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी हो जाएगी, तो हाफ पे जितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी वी मैक्सिमम की, तो वो क्या कहलाएगी, के एम वैल्यू कहलाएगी। और के एम वैल्यू अपने पास में अगर हम क्या करेंगे, कॉम्पिटिशन नॉन कॉम्पिटेटिव इन सब में पूछी जाती है सर, कि कॉम्पिटेटिव एंजाइम में क्या होगा, के एम वैल्यू चेंज कैसे होगी नॉन कॉम्पिटेटिव में, तो आगे क्वेश्चन होंगे ऐसे। और के एम की वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट रह सकती है, ऊपर भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, कभी के एम की वैल्यू कम नहीं हो सकती है, कभी भी कम नहीं होगी वैल्यू, क्योंकि भाई जैसे मान लो कि मैक्सिमम स्पीड तो एंजाइम जब अकेला है तब प्राप्त करेगा, अगर उसके साथ में कोई जुड़ेगा तो इसका मतलब वो है कि मैक्सिमम स्पीड प्राप्त करने में उसको टाइम लगेगा ही, बिल्कुल, तो अपने पास में केएम बढ़ेगा। बिल्कुल, फिर इसके बाद अपन यहां पर नेक्स्ट देखते हैं, ये अपना सर इसमें आंसर थर्ड हो गया, थर्ड हो गया सर। ए फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, एक फॉस्फोग्लिसराइड किससे बना होता है, ए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टिफाइड टू ए ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू व्हिच ए फॉस्फेट ग्रुप इज आल्सो अटैच्ड, बिल्कुल यहां पे करेक्ट हो गया, पहले सही हो गया। फॉस्फोग्लिसराइड के अंदर क्या होता है कि जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है ये ग्लिसरॉल के साथ में एस्टरीफाई होता है, और साथ में यहां पे क्या होता है सर, फॉस्फेट ग्रुप होता है, एस्टर बॉन्ड बना देता है, ग्लिसरॉल तो एक तरह से अपने पास में अल्कोहल का मॉलिक्यूल हो गया, ट्राइग्लिसरॉल ऐसे वाला है तो सर, बिल्कुल, तो इससे अपने पास में जुड़ जाएगा एसिड और एस्टर बॉन्ड बना लेगा, बिल्कुल, तो अपने पास में बन जाएगा, तो पहला सर यहां से सही हो गया। बाकी के स्टेटमेंट जो इसके अंदर ये बात रखी के साथ फॉस्फेट अटैच किससे होगा, पहला यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन व्हिच इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एन एंजाइम, एंजाइम क्रिया के संदर्भ में उस विकल्प को चुनिए जो गलत है, सबस्ट्रेट बाइंड्स विद एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल, एडिशन ऑफ लोट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज मेलोनेट, ये यहां पे गलत हो गया, क्योंकि मेलोनेट जो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, और शायद ये अपने पास में फोर्थ ऑप्शन में लिखा दिया, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की अपन ने दो क्वेश्चन पहले बताया था कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस, तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे आ गया, वही कॉन्सेप्ट सिंपल शायद रहा, तो यहां पे आंसर अपने पास में गलत पूछा है, तो अपने आई गेस सेकंड ऑप्शन है। व्हिच प्रोटीन फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग पैथोजन प्रोवाइड प्रोटेक्शन, तो सर ये वही बात यहाँ पे हो गई, जो एंटीबॉडी होती है ये एंटीबॉडी ऐसी प्रोटीन है जो पैथोजन के साथ अटैच होकर उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, तो यहाँ पे आंसर हो गया इसका फोर्थ ऑप्शन, एंटीजन के साथ में अपने पास में एंटीबॉडी रिएक्शन करती है, एग्लूटेशन, एंटीजन यहाँ पे हो गया पैथोजन, हाँ। एंटीबॉडी अपने पास WBC में होती है, WBC में, और एग्लूटेशन से उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। 79 नंबर क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन व्हिच एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर प्रोटीन टू मेनी बायोलॉजिकल फंक्शन, भाई प्रोटीन जो है अगर वो कम से कम टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर आती है तब वो उस फंक्शन को कर पाती है, क्योंकि टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होती है वो प्रोटीन स्टेबल हो पाती है, हालांकि कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो क्वार्टनरी प्रोटीन से बनते हैं, जैसे कि बच्चों आइसो एंजाइम होते हैं, लेकिन किसी भी प्रोटीन को वर्क करने के लिए कम से कम उसको प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी स्ट्रक्चर में आना ही पड़ेगा, क्योंकि एंजाइम एक्टिव साइट जो है वो पाउचेज जो बनते हैं वो टर्शियरी के अंदर ही बनते हैं, यहाँ पे 3 से 12 अमीनो एसिड होते हैं जो मिलके एक्टिव साइट का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन, व्हिच प्रोटीन स्ट्रक्चर हैज डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो डाइसल्फ प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है इसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर और अल्फा हेलिक्स ये यहाँ पे सेकेंडरी हो गई, सेकेंडरी के अंदर अपन कह सकते हैं एक तो होता है पेप्टाइड बॉन्ड, एक बच्चों यहाँ होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है अपन यहाँ पे कह सकते हैं इसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होते हैं, इसमें कोवलेंट बॉन्ड भी होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड भी होते हैं, तो जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो टर्शियरी प्रोटीन में पाया जाता है, और टर्शियरी प्रोटीन के अंदर भी उसमें होता है जहाँ पे सल्फर वाला अपन कह सकते हैं एमिनो एसिड होता है, जैसे कि सिस्टीन है, मेथियोनिन होता है, बिल्कुल, तो आंसर सर यहाँ पे हो गया थर्ड, फोर्थ ऑप्शन मेरे पास तो हो गया, सॉरी फोर्थ ऑप्शन। 81 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटालाइज दिस रिएक्शन, तो देखो यहाँ पे सर अपने पास में ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकडाउन में कोई वाटर काम में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा लाइजेज और हाइड्रोलाइजेज दोनों ही क्या करता है, ब्रेकडाउन करते हैं, ब्रेकडाउन, बट ये H2O के साथ करता है, ये बिना H2O के करता है, तो देखो यहाँ पे H2O है नहीं, और सबस्ट्रेट का देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो यहाँ पे XY बन गया और CC यहाँ पे आ गया, बस वहाँ पे H2O लगा देता तो सीधा सा मतलब होता कि भाई अपने पास में हाइड्रोलाइजेशन की डिग्री में आ जाते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एंजाइम,
एंजाइम डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल सही अभी सर ने कहा था कि वो जो गैप होता है, वो जो ब्रेकर है उसको डाउन कर देता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, फास्ट कर देता है। भाई जब एनर्जी डिक्रीज हो गई तो पाथवे छोटा हो गया, और पाथवे छोटा हो गया तो अपने पास में रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज हो गया। एंजाइम चेंज द केमिकल इक्विलिब्रियम, गलत हो गया यहां पर, एंजाइम होगा भी प्रभावी। मैं तो एनर्जी सबस्ट्रेट की चेंज करता है, एंजाइम नए एनर्जी प्रोडक्ट की चेंज करता है, वो सिर्फ ट्रांजिशन स्टेज जो है उसकी एनर्जी को कम कर देता है। जो इक्विलिब्रियम है वो अपन यहां पे कह सकते हैं कि चेंज नहीं होता है, तो यहां पे आंसर हो गया इसका थर्ड ऑप्शन। मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ये बिल्कुल यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट है, बस एक ये एक्सेप्शन है वो राइबोजाइम है, वो आपको पहले बता, इसीलिए यहां पे मोस्ट लिखा हुआ है। हां सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन यहां पे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स विद, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होता है वो कॉम्पिटिशन करता है, और कॉम्पिटिशन करता है सबस्ट्रेट के साथ में, ताकि वहां पर जो एक्टिव साइट है सर उसके साथ जुड़ जाए। जैसे अपन यहां पे कह सकते हैं इस तरीके से, मान लो ये अपने पास में कोई एंजाइम है, और एंजाइम के साथ में ये सर अपने पास में क्या हो गया, सबस्ट्रेट, और जैसी स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट की है वैसी स्ट्रक्चर किसकी होती है, इनहिबिटर की होती है। तो देखो सर, दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी है, ये भी सोचता है कि मैं एक्टिव साइट के साथ जुड़ जाऊं, ये भी सोचता है कि एक्टिव साइट के साथ जुड़ जाऊं, तो सर दोनों में यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं ये दोनों कंपटीशन करते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट से टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे लिखा है फ्री एंजाइम्स टू इट्स एक्टिव साइट, ये बिल्कुल सर यहाँ पे इसका अपना आंसर फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर। आगे देखते हैं अपन सर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 84, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नाइट्रोजन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल। देखो नाइट्रोजन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल में अपन देखेंगे तो अपने पास में किस में नाइट्रोजन होगा, तो नाइट्रोजन अपने पास में देखो एन एसिटाइल ग्लूकोसोएमीन है, ये तो काइटिन इसका पॉलीमर है, तो अपने पास में इसी से मिलकर के काइटिन बना हुआ है, तो दोनों में अपने पास में एन आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है नाइट्रोजन ही है, तो अपने पास में ये दोनों हो गए, ठीक है। लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है, और उसमें कोलिन वाला पार्ट जो होता है वो नाइट्रोजन से तीन CH3 जुड़े होते हैं, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग हो जाएगा, तो अपने पास में सारे हो जाएंगे, तो ऑल ऑफ दीज चला जाएगा सर, बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्यूटेराइन, तो ज्यूटेराइन का मतलब यहां पर ये है कि जो COH होता है एमिनो एसिड के अंदर, इस COH में से जो H है ये HH+ के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और NH2 के साथ में ऐड होकर NH3+ का सर फॉर्मेशन कर लेता है। तो देखो सर यहाँ पर तो खाली प्लस है, यहाँ पे माइनस है नहीं, इसमें ये अपने पास कंडीशन हो जाएगा जिसमें COH से अपन कह सकते हैं H+ बाहर निकल जाएगा और NH2 के साथ जुड़कर उसको NH3+ में चेंज कर देगा, तो सर करेक्ट आंसर इसका हो गया सेकंड ऑप्शन। कुल मिलाकर अपन ये बोल सकते हैं कि ज्यूटेराइन वो स्टेज है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर मात्रा में होता है, बराबर मात्रा में, और pH जिस पर अपने पास में अगर हम इसको लगाते हैं करंट इसके दोनों तरफ, तो ये किधर भी मूवमेंट नहीं करता है, तो ज्यूटेराइन होता है, ज्यूटेराइन होता है, बिल्कुल। तो आंसर सर यहां पे हो गया सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, हाई टेंपरेचर डिस्ट्रॉय एंजाइमेटिक एक्टिविटी, अपन कह सकते हैं अगर टेंपरेचर से ज्यादा हो जाता है तो डीनेचुरेशन हो जाता है प्रोटीन का, प्रोटीन टूट जाती है, पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाते हैं, अगर एंजाइम के अंदर पाए जाने वाली प्रोटीन ही टूट गई तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है। हां बिल्कुल, पेप्टाइड बॉन्ड टूटने से एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाता है। Proteins are denaturated by heat. ये सर वही बात अपनी आ गई है। Prosthetic का ही हो गया ये। Prosthetic group are organic compound. तो prosthetic group जो है अपने पास कह सकते हैं ये hollow enzyme का part है। ये organic compound ही है। जो tightly bound होता है अपने पास में hollow enzyme से prosthetic group, तो अपने पास में all of these correct चला गया। बिल्कुल यहाँ पे सारे इसके सही हो गए। Okay. Next question number अपन 87 की बात यहाँ पे करेंगे। Consider the following statement: Enzyme molecules are fewer than the substrate molecule, and after saturation of these molecules, there are no enzyme molecule free to bind with the additional substrate molecule. बिल्कुल अपन कह सकते हैं सही statement है ये। Actually बच्चों इस statement के अंदर दो statement है कि enzyme के number जो होते हैं वो substrate से कम ही होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एंजाइम हुआ करता है उस एंजाइम के अंदर नंबर ऑफ एक्टिव साइट बहुत सारी होती है, और जितनी अपन यहाँ पे कह सकते हैं एक्टिव साइट होती है उतने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अटैच हो पाते हैं, तो एक एंजाइम जो होता है वो एक एंजाइम ही काफी मॉलिक्यूल के साथ में क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है, बाइंड हो सकता है। ड्यूरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन द रिएक्शन अल्टीमेटली
reach a maximum velocity v maximum which is not exceeded by any further rise in concentration of substrate. भी जैसे मान लो एंजाइम के अंदर जितनी भी एक्टिव साइट है, अगर सारी एक्टिव साइट के साथ में मॉलिक्यूल्स बाइंड हो गए, तो जितनी भी एक्टिव साइट है, अगर सारी एक्टिव साइट यूज में आ गई, अब चाहे आप कितने सबस्ट्रेट बढ़ा दो, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं हो सकती, वो बिल्कुल इंक्रीज नहीं हो सकती, क्योंकि भाई अपने पास में सैचुरेशन आ जाएगा, सैचुरेशन आ गया। अब यहां पर ये भी मैक्सिमम आ गया, अभी मैक्सिमम के बाद में अब आपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज की, अब हम मान लो कि कंटिन्यू इंक्रीज करते जाते हैं, लेकिन भी मैक्सिमम अपने पास में कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि सभी जो साइट है वो अपने पास में यूज आने लग जाती है, और सभी साइट का यूज आ जाता है, तो अपने पास में वो अपने भी मैक्सिमम को प्राप्त कर लेता है। जैसे सर अपन इसको एग्जांपल से भी समझा सकते हैं, मान लो किसी एंजाइम में 10 एक्टिव साइट है बिल्कुल, और आपने 5 सबस्ट्रेट डाल दिए, तो अभी तो चाहे आप सबस्ट्रेट 5 से 10 कर दो, रेट बढ़ जाएगी, लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ एक्टिव साइट नंबर ऑफ सबस्ट्रेट के बराबर हो जाती है, फिर चाहे आप कितना सबस्ट्रेट इंक्रीज कर दो, कोई वो मैक्सिमम होकर फिर कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टेटमेंट ए राइट है और बी भी राइट है, पास में राइट है, आंसर यहां पे हो गया थर्ड ऑप्शन। आगे देखते हैं इसके बाद में, कोफैक्टर फॉर द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो है उसके लिए कौन सा होता है कोफैक्टर, जिंक होता है, जिंक होता है उसका कोफैक्टर। अपने पास में मेटलिक आयन कोफैक्टर है भैया ना, एक तो ऑर्गेनिक हो गया बिल्कुल, ये इनऑर्गेनिक वाला अपने पास में पार्ट है, जो जिंक है ये उसकी रेट को अपने पास में इंक्रीज कर देता है बिल्कुल, और ये अपने पास एक कोफैक्टर है, कोफैक्टर के होने से एपोएंजाइम वर्क कर पाता है, जरूरी है उसका। नेक्स्ट इसके बाद में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ होलो एंजाइम, निम्न में से कौन सा होलो एंजाइम का भाग है, एपो एंजाइम, बिल्कुल को एंजाइम, मेटल आयन, ऑल ऑफ दिस। तो सर यहां पे सारे हो गए, पिछले जो बना करके बता दिया था, होलो एंजाइम जो है वो उसके दो पार्ट है, दो पार्ट है, एक तो एपो एंजाइम और एक कोफैक्टर। अब उस कोफैक्टर के फॉर्म में मेटल आयन भी हो सकता है, मेटल आयन उसके दो पार्ट हो जाएंगे, को एंजाइम और प्रोस्टेट ग्रुप भी हो सकता है, कोई से भी हो सकता है। आप कोएंजाइम की बात करें तो जैसे एनएडी हो जाएगा सर, इसमें विटामिन वगैरह अपने पास में ये एनएडी है, एफएडी है, वो सब आ जाएंगे, तो इसमें विटामिन वगैरह आ गए। और ये आया हुआ भी था पिछली बार, पूछा हाँ। था कि भाई कोएंजाइम जो है मैक्सिमम कोएंजाइम विटामिन होते हैं, तो ऐसा कुछ पूछा था, तो स्पेशली एनएडी वाला जो है वो एग्जाम का इसमें से फेवरेट कांसेप्ट है। सही बात। अब सर अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, enzymes are divided into class each with sub class and named accordingly by a digit number. तो ये अपने को करना है सर। बिल्कुल। तो enzyme को अपने पास में mainly जो है 6 class में divide किया गया है। बिल्कुल। ठीक है। और उनकी अपने पास में sub classes होती है, वो होती है 4 to लेकर के 13। और उसके कितने digit आते हैं जो अपने पास में name है? 4 यहाँ पे digit आते हैं। यहाँ पे digits जो हैं वो show करते हैं। जैसे इस तरीके से आता है। और याद करो एंजाइम के जो 6 क्लासेस है उसमें फर्स्ट क्लास का नाम क्या होता है, ऑक्सीडो रिडक्टेंस, मतलब ये जो अपने पास नंबर का सिस्टम है, इस नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करने वाले एंजाइम की कैटेगरी है, ये यहाँ पे क्लास, ये सब क्लास, फिर उसके पार्ट, लास्ट का जो वर्ड आएगा वो एग्जैक्टली नेम ऑफ एंजाइम को शो करेगा। तो अपन यहाँ पे इजी वे में कह सकते हैं कि जितने भी जो एंजाइम्स है उन सारे एंजाइम्स को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, और हर क्लास के अंदर 4 to 13 बच्चों सब क्लास है, और ये जो इनके नोमेनक्लेचर का सिस्टम है ये होता है यहाँ पे 4 डिजिट सिस्टम। तो सर इसमें आंसर अपने पास में हो गया 4th ऑप्शन। ओके सर, बिल्कुल। नेक्स्ट यहाँ पे है, इन एन एंजाइम रिएक्शन इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एडेड देन द वैल्यू ऑफ केएम। ये बच्चों एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको, केएम का मतलब यहाँ पे है माइकलसन मेंसन कांस्टेंट। जैसे अपने पास में आप ये मान के चलो इस तरीके से कोई एंजाइम है, और बच्चों इस एंजाइम के अंदर अपन कंडीशन देखें, ये मान लो अपने पास एक एंजाइम है, और एंजाइम के अंदर ये जो आप देख रहे हो ये बच्चों यहाँ पर एक्टिव साइट है, ठीक है, ये अपने पास एक्टिव साइट है। अब मान लो यहाँ पे कंडीशन कौन सी है, ये यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, मतलब सेम जगह जो सेम जगह, मान लो ऐसे बच्चों यहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच हो गया, ये सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से जुड़कर कन्वर्ट किस में हो जाएगा सर, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इस एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट तो आया नहीं, इनहिबिटर, यहाँ पे इनहिबिटर आ गया।
अच्छा इस एक्टिव साइट को दिखता थोड़ी कि इनहिबिटर आ गया, ये तो आराम से क्या करती है इनहिबिटर के साथ जुड़ती है। बिल्कुल, अब जो एक्टिव साइट है, अब एक्टिव साइट सोचती है कि अपने साथ में सबस्ट्रेट जुड़ गया, चलो अब इसको प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या इसको महसूस होगा कि अरे ये तो कुछ और ही आ गया। फिर बच्चों यहाँ पे इनहिबिटर जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और इनहिबिटर जब रिमूव होगा फिर उसके बाद में अपन यहाँ पे कह सकते हैं अब यहाँ पे कोई दूसरा सबस्ट्रेट आएगा और कन्वर्ट किस में होगा प्रोडक्ट में। तो जैसे पहले यहाँ पर चार एक्टिव साइट थी, लेकिन देखो बच्चों अब तीन एक्टिव साइट काम करी थी, और लेकिन जब वो इनहिबिटर यहाँ से रिमूव हुआ वापस सबस्ट्रेट आया, अब यहाँ पर वापस स्पीड मैक्सिमम चार की हो गई। अगर अपन इसको ग्राफ में शो करना चाहे, मतलब जैसे कि सर अपन कह सकते हैं कि भाई ये सबस्ट्रेट उस इनहिबिटर को जब रिमूव करेगा जब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। तो दूसरी बात अपन कह सकते हैं अगर एक बार इनहिबिटर के साथ अटैच हो गया, फिर वापस डिटैचमेंट के बाद में ये किसी दूसरे सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा, तो उसको मतलब वहां से हटाने के लिए हमारे को सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो अपने पास में सिंपल सी बात है, जैसे मतलब अपने पास में ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा करनी पड़ेगी तो भी मैक्सिमम प्राप्त करने में थोड़ा टाइम क्या करने पड़ेगा, ज्यादा लगेगा। और अपने पास में वी मैक्सिमम प्राप्त करने में ज्यादा टाइम लगेगा तो वी मैक्सिमम बाय टू प्राप्त करने में भी टाइम ज्यादा लगेगा और कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा लगेगी क्योंकि इनहिबिटर को भी मात देनी है। तो इसलिए अपने पास में के एस क्या बढ़ जाएगा, के एम की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे पहले बच्चों मान लो स्पीड यहाँ पर चार की थी, एक बार बीच में तीन की स्पीड आ गई थी, फिर वापस चार की स्पीड आई, तो ये जो अपने ग्राफ बनेगा अपन कह सकते हैं ये तो मान लो एक नॉर्मल ग्राफ था जब इनहिबिटर नहीं था। अब ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर ग्राफ यहाँ पे इस तरीके से आएगा तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं इसके अंदर जैसे मैं एक बार फ्रेश डायग्राम को बनाना चाहेंगे, ये बच्चों बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट उसने बताया था इस तरीके से। ये अपने पास में एक नॉर्मल ग्राफ होता है जब सर इनहिबिटर नहीं होता है, नहीं होता। तो अपने पास में ये तो क्या आ गया इसके अंदर वी मैक्सिमम आ गया, और मान लेता हूं मैं यहाँ पे आ गया वी मैक्सिमम बाय टू, तो इस तरीके से यहाँ पे अपन कह सकते हैं केएम आ गया। अब मान लो यहाँ पे इनहिबिटर होता है, तो अगर यहाँ पे इनहिबिटर है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाता है। तो ग्राफ अगर इस तरीके से बन गया तो देखो वी मैक्सिमम वापस उतना ही आ गया, लेकिन थोड़ा टाइम लगा, टाइम लगा। तो यहाँ पर देखो वी मैक्सिमम जो है वो उतना ही आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। वी मैक्सिमम का जो हाफ है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पर वी मैक्सिमम का हाफ में चेंज नहीं, लेकिन जो यहाँ पे केएम है इस केएम की वैल्यू बढ़ गई। तो अपन कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में जो केएम की वैल्यू है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। तो सर यहाँ पे देखता हूँ हो गया सेकंड ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। फिर यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा कथन गलत है। ईच एंजाइम शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच। बिल्कुल सही है सर, ग्राफ में हमने बताया था इस तरीके से ग्राफ होता है, यहाँ पर अपने पास में मैक्सिमम होगा जो इसकी ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच होगी। बिल्कुल सही, लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स the enzyme in temporarily inactive site। बिल्कुल कह सकते हैं अपन, low temperature से enzyme की जो active site है वो inactive हो जाती है, inactive हो जाती है और काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल, high temperature activate the activity enzyme। नहीं नहीं, ये यहाँ पे wrong हो गया, denaturation कर देगा high temperature, और denaturation हो गया तो उसकी active site destroy हो जाएगी, destroy वो तो enzyme को खत्म ही कर देगा high temperature। तो अपने पास में ये wrong हो गया, wrong हो गया, ठीक है। high temperature सबसे ज्यादा सेल के अंदर वॉटर से, बिल्कुल, तो मैक्सिमम अपने पास में मिल जाएगा वॉटर से 70-90%। प्रोटीन अपने पास में होगा, होती है 10-15%। फिर अपने पास में न्यूक्लिक एसिड, ये होगा 5-7%। तो देखो बच्चों मैचिंग आप अपने आप कर लेना, इसमें मेन बात ये है कि वाटर होगा 70-90%, प्रोटीन होगा 10-15%, न्यूक्लिक एसिड होगा 5-7%, बाकी बच्चों जो बच गए एनसीईआरटी की टेबल है, एनसीईआरटी की टेबल है, इसको मैच करके। बिल्कुल, एक बच्चों डाटाबेस क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, अरेंज द स्टेप्स ऑफ कैटालिटिक एक्शन ऑफ द एंजाइम
इन ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, एक एंजाइम की उत्प्रेरित क्रिया के पदों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए, बिल्कुल कर लेंगे। द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड द एंजाइम इज फ्री फॉर अनदर सबस्टेंस। तो सर बिल्कुल लास्ट स्टेप हो गया, लास्ट स्टेप हो गया, जब अपने पास में प्रोडक्ट को फ्री कर देगा तो अपने पास में तो लास्ट स्टेप हो गई, ताकि नए से एंजाइम अपने पास में जुड़ सके किसी सबस्टेंस के साथ, किसी भी सबस्टेंस, फर्स्ट तो लास्ट में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ सबस्टेट एंड ब्रेक ऑफ केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्टेट। ये बिल्कुल जस्ट सर इसी पीछे आ गया, क्योंकि जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे नए बॉन्ड बनेंगे तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। एंजाइम और अपने पास में कॉम्प्लेक्स हो गया, एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स की बात हो गई, तो अपने पास में ये हो जाएगा। इससे पहले का द बाइंडिंग ऑफ सबस्टेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्टेट। तो ये ESOB, ये इससे पहले आ जाएगी, ठीक है। तो ये इससे पहले आ गई, और ये जो स्टेटमेंट है बकायदा वो जो थ्योरी है अपने पास में इसमें जो है सुक्रोज जो है सेल्यूलोज जो होता है वो अपने पास में बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ठीक है। और होमोपॉलीमर होता है सेल्यूलोज, होमोपॉलीमर में वो आते हैं जो एक जैसी यूनिट से बनकर एक ही सैकेराइड से। तो इस तरह से अपने पास में बीटा ग्लूकोज जो होता है वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा अपने पास में जुड़ करके सेल्यूलोज का फॉर्म, बहुत सारे ग्लूकोज यहाँ पे जुड़ जाते हैं। कई बच्चों को दिक्कत भी यहाँ पे हो सकती है कि सर ये बीटा ग्लूकोज का मतलब क्या है। अगर बच्चों ये जो अपने पास ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन पे जो OH है अगर वो ऊपर आ जाए तो S नीचे आ जाए तो बीटा और ग्लूकोज और ऊपर हो जाए तो अल्फा, जैसे कि इस सेल्यूलोज के अंदर है सेल्यूलोज। तो यहाँ पे आंसर अपने पास में हो गया फोर्थ ऑप्शन। आगे देखते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 97। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम। माल्टोज तो कोई एंजाइम ही नहीं है, प्रोटीन जो है वो जरूरी नहीं कि एंजाइम हो ही हो, माल्टेज एंजाइम है, माल्टोज नहीं है, माल्टोज नहीं है। माल्टोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम माल्टेज है, तो ये रॉन्ग हो गया। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला सेलुलेज है, ये भी रॉन्ग हो गया। और प्रोटीन अपने पास में एंजाइम जो है अलग अलग बनते हैं प्रोटीन से, मतलब प्रोटीन एंजाइम हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। प्राइमरी प्रोटीन जनरली एंजाइम की तरह वर्क नहीं करती है, तो अपने पास में एक ही बचा एंजाइम यहां पर लाइपेज, तो आंसर विल बी 4। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो अभी सर ने बताया था, हां अभी अपने पास में आई थी सुक्रोज जो थी वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर थी, ठीक है। स्टार्च जो है, स्टार्च में दो कंडीशन है, इसका जो राइट पार्ट है वो होगा रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग लेफ्ट पार्ट होगा नॉन रिड्यूसिंग। माल्टोज जो अपने पास में है वो भी कैसी रिड्यूसिंग शुगर है, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, या तो रिड्यूसिंग हो गई, आंसर यहां पे फोर्थ ऑप्शन होगा। richest energy compound is, अपन यहां पे कह सकते हैं फैट हो गया सर, फैट हो गया 142 ATP के लगभग अपने पास में एक फैट के मॉलिक्यूल से अपने पास में प्रोड्यूस होते हैं, बिल्कुल। तो अपने पास में फैट जो है वो अपने पास में richest energy compound अपने पास में होगा, बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट अपना यहां पे हो गया, which of the following monosaccharide represent cyclic structure of beta d glucopyranose। अभी सर ने बताया था OH की पोजीशन देख लो, OH ऊपर अपने पास में, तो आंसर क्या हो जाएगा, बीटा डी फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है।
फिर इसके बाद में है बोथ स्टार्च एंड सेलुलोज आर पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. द स्टार्च आयोडीन इज ब्लू कलर बट सेलुलोज नॉट प्रोड्यूस ऑफ आयोडीन. तो सर वही क्वेश्चन हो गया, काफी बार एग्जाम में हुआ भी है, क्योंकि सेलुलोज में जो है वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, तो उसमें ब्रांचेज नहीं बनती है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर इसमें बनती है. और अपने पास में जो स्टार्च है उसमें अपने पास में इस तरह से बॉन्ड बन जाते हैं, क्योंकि उसमें 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, तो ब्रांच बन जाती है, इसमें ब्रांच नहीं बनती है. इन ब्रांच में आयोडीन अटक जाता है, और आप जब इसको हम पानी से धोते हैं तो आयोडीन बाहर आ जाता है सेलुलोज का, जबकि स्टार्च के हेलिकल भाग उसको पकड़ लेते हैं, इसकी वजह से वो अपने पास है आयोडीन टेस्ट देता है और सेलुलोज नहीं. बिल्कुल, तो सर आंसर यहां पे हो गया अपना फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट हो गया. आगे देखते हैं. सर्टेन अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ एंड दे हैव टू बी सप्लाइड थ्रू आवर डाइट कॉल्ड. डाइट में मतलब हम बाहर से ले रहे हैं, तो अपने पास में जो बॉडी के अंदर बनते हैं वो तो हो गए नॉन एसेंशियल, और बॉडी में जिनको बाहर से लेना पड़ता है वो हो जाते हैं एसेंशियल. अप्रोक्स 10 अपने पास में अमीनो एसिड है वो एसेंशियल है, आउट ऑफ 20 फॉर ह्यूमन बॉडी. प्लांट के लिए और नॉन एसेंशियल है, बिकॉज प्लांट अपने पास में सभी का प्लांट तो ऑटोट्रोपिक हो गया, वो तो खुद का फूड का फॉर्मेशन है. बिल्कुल, आंसर यहां पे हो गया फर्स्ट ऑप्शन. Following is different structure of protein which structure is not affected by temperature and directly depends on types of genetic codon. तो यहाँ पे temperature की बात जहाँ पे आए, तो सबसे ज़्यादा stability किसकी होती है sir? Tertiary protein की होती है. तो tertiary protein अपने पास में हो गया B option. तो यहाँ पे answer अपना हो गया only B. ये ऐसा है जो temperature से influence generally नहीं होगा. Otherwise हो सकता है, generally ये नहीं होगा. और दूसरी बात, चाहे कोई सी भी स्ट्रक्चर हो सर, सारा खेल ही यहाँ पर जेनेटिक कोडोन का है. जेनेटिक कोडोन जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एमिनो एसिड उसकी सीक्वेंस बैठती है. अब चाहे तो वो सीक्वेंस प्राइमरी की हो, सेकेंडरी की हो, चाहे टर्शियरी की हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है तो टेम्परेचर से सबसे लीस्ट इन्फ्लुएंस होगा वो कौन सा होगा? टर्शियरी होगा. तो सर आंसर यहाँ पे हो गया सेकेंड ऑप्शन. बिल्कुल सही बात. बिल्कुल. नेक्स्ट विषम बहुलक पूछा, मैं एक हेट्रोपॉलीमर अपने से पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोपॉलीमर. और हेट्रोपॉलीमर का मतलब है कि दो अलग अलग टाइप के कंपोनेंट से बना हुआ हो. स्टार्च है ये भी ग्लूकोज का पॉलीमर है, और अपने पास में ग्लाइकोजन है ये भी ग्लूकोज का पॉलीमर है, और अपने पास में सेलुलोज है ये भी ग्लूकोज का पॉलीमर है. तो ये तो सारे ही अपने पास में ग्लूकोज के पॉलीमर है, तो ये तो अपने पास में होमोपॉलीमर की कैटेगरी में आते हैं. इसमें से अपने पास में हेट्रो कोई भी नहीं है. बिल्कुल. नेक्स्ट यहाँ पे है मैच द फॉलोइंग, निम्न का मिलान कीजिए. ये एनसीईआरटी टेबल है, तो अपने पास में इसको मिला लेते हैं अपन. तो जैसे अपन इसमें देखते हैं मॉर्फिन सबसे पहले यहाँ पे, तो मॉर्फिन क्या हो गया सर? मॉर्फिन यहाँ पे हो गया एल्केलॉइड. इसके बाद एसेंशियल ऑयल यहाँ पर है, तो लेमन ग्रास ऑयल यहाँ पर हो गया. ड्रग्स की बात अपन करें तो विनब्लास्टिन यहाँ पे ड्रग्स है, और टॉक्सिक सब्सटेंस यहाँ पे कौन सा है? एब्रिन है. तो देखो बच्चों, ये अपने पास एक टेबल है जो आपको थोड़ी सी अध्ययन करनी पड़ेगी, और इस बायोमोलिक्यूल के अंदर जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, बार बार जिनका रिपीटेशन होता रहता है वो, और इसके अलावा कुछ और भी ऐसे क्वेश्चन जो आपकी थ्योरी को कम्प्लीटली लपेट लेते हैं, हमने सारे क्वेश्चन को यहाँ पे करवा दिए हैं. बिल्कुल, और बस आप सही कह रहे हैं कि बच्चों एनसीईआरटी के हर लाइन को पढ़े, उसकी समरी पढ़े, उसके डायग्राम को पढ़े, और उसके बाद में जो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चंस कराए आप उनको इजी वे में सॉल्व करें. बिल्कुल, आप एग्जाम में हर क्वेश्चन इजीली कर पाओगे. थैंक यू. ओके, बेस्ट ऑफ लक.